जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं तुझको बुला दूं। पाकिस्तानी फिल्म, टीवी और मॉडलिंग इंडस्ट्री की बहुत मशहूर फनकारा, जिसका शुमार गुमनाम अदाकाराओं में होता है, जिसने शोबिज की दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कहा और गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। अपने शोहर बच्चों के हमरा पुरसकून व पर्दा जिंदगी गुजार रही हैं, बल्कि इस्लाम की तबलीग भी करती हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? इस कहानी की गहराई में जाने से पहले आपको उस गुमनाम अदाकारा के मुतालिक बताते हैं। उस अदाकारा का नाम है सायरा खान। तो छतरी नहीं है, देने वाले ने तो दी थी पुत्र। सायरा खान जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जिसने एक लंबा अरसा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री पर राज किया, बेशुमार दौलत, शोहरत और इज्जत समेटी। सायरा के माजी में ले जाते हुए आपको बताते हैं कि सायरा खान, जिसका ताल्लुक सरायकी बेल्ट मुजफ्फरगढ़ से था, जिसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, पढ़ाई का ज्यादा शौक नहीं था, मुतवस्त घराने से ताल्लुक था, लेकिन सायरा को शोबिज में जाने का शौक था। इसी वजह से पढ़ाई के बजाय अदाकारी और सजने संवरने का शौक था, लेकिन घर वाले उसके सख्त मुखालिफ थे। सायरा के दूर के रिश्तेदारों में से एक शख्स की फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान थी। सायरा खान ने उससे बात की और वो सायरा को लेकर लाहौर आ गया और यहाँ आकर सायरा का फोटो सेशन करवाया और किसी तरीके से वो तस्वीर को सैयद नूर को भिजवा दी। सैयद नूर साहब ने सायरा की तस्वीर को देखकर पसंद किया और उसको अपने पास बुला लिया। उस वक्त सैयद नूर फिल्म घूंघट बना रहे थे। इस फिल्म में सायरा खान को भी सपोर्टिंग रोल में कास्ट कर लिया गया। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई और बहुत कामयाब हुई। ये सैयद नूर की इब्तदाई कामयाब फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया और इसी फिल्म से अरबाज खान ने भी डेब्यू किया था। भाभी के रूप में मां मिल जाने की खुशखबरी मिल जाए तो इस खुशी से वो पागल नहीं होंगे तो और क्या होंगे। हाँ भैया, हाँ 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 हाँ। अरे चुप, बोलती है तो चुप ही नहीं होती। फिर इससे अगली फिल्म, जो कि फिल्म डायरेक्टर संगीता की थी, ड्रीम गर्ल, जो 1997 में रिलीज हुई। इस फिल्म में सऊद, निर्मा, मीरा, लैला और सायरा खान थी। इसके बाद सायरा खान ने टीवी की जानिब रुख किया। पहले टीवी ड्रामे का नाम था परांदा, जो 1998 में पीटीवी पर रिलीज हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब कुछ भी होगा। 1999 की फिल्म एक और लव स्टोरी में भी काम किया। सायरा खान को फिल्मों से ज्यादा टीवी ड्रामों में कामयाबी मिली। अगर बात की जाए सायरा खान के पहले सुपरहिट प्रोजेक्ट की, तो वो एक टीवी ड्रामा था जिसने सायरा खान को अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जो उसकी पहचान बन गया। उस टीवी ड्रामे का नाम था बेटी, जिसमें सायरा खान ने बेटी का लाजवाल किरदार निभाया और यही ड्रामा सायरा की पहचान बना। आपके सिरे पर सर रखकर सोने वाली मेरू दीवारों से लिपटकर रोती रही। इस ड्रामे में सायरा मेहरू के किरदार में नजर आई, जिसमें शगुफ्ता एजाज उसकी सुतेली माँ होती है, जो उस पर जुल्म करती है। और इस ड्रामे के आखिर में जब शगुफ्ता एजाज अकेली रह जाती है और हॉस्पिटल में दाखिल होती है, तो वही सुतेली बेटी उसकी बेहद खिदमत करती है और उसकी मैयत पर भी वही सुतेली बेटी मेहरू के सिवा कोई भी रोने वाला नहीं होता। ये एक सबक अमोज ड्रामा सीरियल था, जिसमे बेटी की कदर अहमियत को दिखाया गया था। पूरा ड्रामा मेहरू के गिर्द घूमता था। इसके अलावा भी बेशुमार ड्रामों में अदाकारी की, जिनमें ड्रामा सीरियल दिल लगी, जिसमें सायरा खान ने काशिम महमूद की बहन का किरदार निभाया, जो कॉलेज में पढ़ते थे, जो अपने वालदैन की लाडली बेटी होती है। ये भी एक बेहतरीन ड्रामा था, जिसकी बेहतरीन स्टोरी के साथ साथ कॉमेडी भी शामिल थी। सायरा खान का शोबिज कैरियर बहुत कामयाबी से जारी था, लेकिन शोबिज में काम करने की वजह से सायरा खान के घर वालों ने उससे रिश्तेदारी खत्म कर रखी थी। एक ऐसी लड़की जिसके पास दौलत, शोहरत, घर, गाड़ियाँ सब कुछ था, लेकिन उसके अपने उसके पास नहीं थे। शोबिज की रंगीनियों में मसरूफ रहने वाली सायरा दिल ही दिल में तन्हाई भरी जिंदगी गुजार रही थी। सायरा खान ने कई बार शोबिज को छोड़ने का फैसला किया, मगर कब और कैसे ये मालूम नहीं था। फिर सायरा खान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने का मौका दिया, लेकिन वो वाकई इंतहाई दिल खराश और दर्दनाक था। सायरा खान अपने रूटीन लाइफ में मसरूफ लाहौर में जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन सुबह के वक्त जब वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बाजार जा रही थी कि अचानक गाड़ी के आगे एक बच्ची आ गई। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, जिस वजह से गाड़ी संभालने का मौका नहीं मिला और वो बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई। ये एक खौफनाक हादसा था। सायरा ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, फौरी गाड़ी से निकली तो देखा वो बच्ची इंतहाई जख्मी हालत में गाड़ी के नीचे कुचली गई थी, जिसको सायरा खान ने फौरी उठाया और गाड़ी में लिटाकर फौरी हॉस्पिटल की जानब भागी, क्योंकि सायरा बहुत डर गई थी। सायरा ने अल्लाह ताला से दुआ की, अगर इस बच्चे की जान बच जाए तो वो इस गुनाहों की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए
तौबा कर लेगी। बस अल्लाह ताला इस बच्चे की जान बचा दे। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिस पर हॉस्पिटल वालों ने बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में ले गए और ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने बताया कि उस बच्चे की जान बच गई है, वो खतरे से बाहर है। बात सुनने की देर थी कि सायरा खान सजदा रेज हो गई। अल्लाह ताला से किया गया वादा पूरा करने का फैसला किया। ये दौर सायरा खान के अरूज का दौर था। सायरा खान ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़कर, तमाम फिल्में ड्रामे छोड़कर इस्लाम के ऐन मुताबिक घरेलू जिंदगी बसर करने का फैसला किया और ऐसा करने से भारी माली नुकसान भी हुआ। इस फैसले के बाद सायरा खान के घर वालों ने भी उसको कबूल कर लिया। इस हादसे ने न सिर्फ सायरा को हदायत दी बल्कि उसके अपने भी उसको मिल गए। सुनने में आया कि सायरा खान आज भी लाहौर में मुकीम है, एक बिजनेसमैन से शादी कर रखी है जिसमें से बच्चे भी हैं। अपने शोहर और बच्चों के हमरा खुशोखुरम और मुतमईन जिंदगी बसर कर रही है, बापर्दा और इस्लाम के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजार रही है। सायरा खान ने खुद भी कुरान पाक की तालीम हासिल की और अब वो लोगों को इसकी तबलीग करती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सायरा खान को इस नेक राह पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। सायरा खान की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है कि जिसको अल्लाह पाक हदायत देना चाहे दे देता है। शोबिज की रंगीन ग्लैमर की दुनिया छोड़कर इस्लाम के मुताबिक बापर्दा जिंदगी गुजारना यकीनन अल्लाह का खास करम है और अल्लाह की जात हदायत भी उसे देती है जो हदायत लेना चाहता हो। सायरा खान इस वाक्य से पहले भी शोबे छोड़ना चाहती थी मगर इसकी वजह वो बच्ची बनी जो सायरा खान की गाड़ी के नीचे आई। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सायरा खान को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और उन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्ले लिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।